बेहद होने वाला बाइक फोटो कार्ड इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आप उसकी इवेंट में देखेंगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर तकरीबन कई बाइकर्स अपनी बाइक को लेकर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर इवेंट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो अलग अलग तरह की बाइक लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 1 लाख से लेकर 50 लाख से 1 करोड़ तक की बाइक इवेंट में आई है। किस तरह का ये इवेंट है? ये सर मोटो किस्सा है, इसमें 70 की सुपर बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स और ब्रांडेड वर्ल्ड की कितनी कंपनी आती है सुपर बाइक और एडवेंचर बाइक में, सारी कंपनी ने पार्टिसिपेट करा है और ऑल ओवर इंडिया से राइडर्स आए इसमें। और इसमें फूड स्टॉल्स है, रॉक बैंड है और एक जनरल कॉर्डर्स बाइक है इसमें, तो बहुत सारे बड़े गेम्स हैं। किस तरह से ये इंदौर में छुपा आप लोगों में, क्योंकि पहली बार इंदौर में इस तरह का इवेंट हो रहा है? बेसिकली देखिए जो मैक्सिमम कम्युनिटी हम लोग की है वो इंदौर में है और हम चाह रहे थे कि इवेंट इंदौर में है क्योंकि इंदौर में रिसोर्सेज बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं हर चीज के, तो हमने उसको उसको इंदौर में लगने का प्लान करा क्योंकि अपनी सिटी को प्रमोट करना और अपने स्टेट को प्रमोट करना सबसे बड़ा वो रहता है कि उसको करना है। हमारे साथ और कुछ भी लोग इवेंट से जुड़े हुए हैं, पूछेंगे किस तरह का ये इवेंट है और क्या सोच पर आपने इवेंट को यहाँ पर लेकर आया? ये इवेंट एकदम मीटअप है, इसमें हम बाइकिंग कर रहे हैं और खासकर सिस्टर लोग को भी प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि लड़कियां भी कितनी पावरफुल है, एक मैसेज ये भी जा रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को आगे आना है। सिर्फ लड़के ही नहीं बाइक चला सकते, हर फील्ड में जैसे लड़कियां आगे चल रहे हैं उसी तरह हम चाहते हैं कि हर जगह लड़कियां अपनी शक्तियां और अपनी एम्पावरमेंट को दिखाए और ये एनवायरमेंट भी हम चाह रहे हैं कि लड़कों के बीच लड़कियां सेफ है इंडिया में। इस चीज को भी हम लड़कों के बीच और लड़कियों के बीच पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप ये समझो कि लड़कियां सुरक्षित है और नहीं है तो हमें एक तरह की बेस बनाना है। काउंट हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, बट काफी लड़कियां हैं। सेफ है ये पूरा इवेंट जिस तरह से यहाँ पर बाइक? हाँ, ये इवेंट काफी सेफ है, कोई मिसहैप यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से प्लानिंग एंडिंग तक हमने सारी चीजों का ध्यान रखा है एंड अभी भी हम ध्यान रख रहे हैं। आप सब जगह देखिए पुलिस सर्वेलेंस सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन लड़कियों को गाड़ी चलाने में कहीं ना कहीं समाज कुछ हीन भावना से देखता है, यही तो मिटाना है इसलिए हम यहाँ पे, यही हमें मिटाना है इसीलिए हम यहाँ पे कि हम आज आगे आएंगे चार, तो हम चार को और आगे लाएंगे, तो वो चार किसी और चार को आगे लाएंगे। सेफ भी नहीं माना जाता है बाइक चलाना? बाइक चलाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना से सेफ चला रहे। सेफ तो दुनिया में इंसान घर में भी नहीं, घर में रहेगी क्योंकि भी खत्म हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि बाइक चलाना सेफ नहीं है, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें ऐसे सेफ रखना है। मैं बाइक चलाती हूँ, मैं सारे गियर्स पहनती हूँ, मैंने अभी लद्दाख किया है, मेरे पास हर गियर है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप बाइक चलाओ आप बिल्कुल सेफ। आप ये सोच के घर से निकले कि मेरे घर में पीछे कोई बैठा है मेरे लिए। कितने किलोमीटर की आप बाइक से यात्रा कर चुके हैं अभी तक? मैं 2500-4000 ऐसे कर चुकी हूँ, मैं अभी लद्दाख हो गया है। किस तरह का बाइक में रहता है, कुछ बाइक किस तरह से रहती है, किस तरह से सफर अच्छा रहता है? सफर अगर आपको एक ऑल पर्पज बाइक चाहिए तो आप एक टूरिंग प्लस एडवेंचर बाइक लीजिए, तो आप ऑफ रोड में कच्चे रास्ते में भी चला सकते हो, रोड में भी चला सकते हो, लंबे रास्ते पे भी चला सकते हो। अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा आप बाइक से कर चुकी है और पहली लड़की हो तो गर्ल हो सकती है कि इस तरह की यात्रा कर रही है? मैंने 40,000 किलोमीटर कर चुकी हूँ अभी। पहली गर्ल हो मध्य प्रदेश की? नहीं, काफी लड़कियाँ और भी है, मैं उज्जैन से बैठी हूँ। लड़की है तकरीबन 40,000 से अधिक जगह पर बाइक से घूमी है और अभी लद्दाख घूम कर रही है और हम इसी इवेंट में मौजूद है। कई और गर्ल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है इंदौर से। टीवी9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।